हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आरजे टेक क्लब। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं आया हूँ एक पबजी की खास ट्रिक के साथ, जो कि होने वाली है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। यदि आप हो पबजी गेम लवर तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पबजी मैप की एक ट्रिक। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से पबजी गेम की एपीके फाइल और ओबीवी फाइल लेते हो जेंडर या सेरिट से, देन उसे इंस्टॉल करके आप पबजी खेल तो सकते हो, बट उसमें आपको सभी मैप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। पर इस ट्रिक से आपको मैप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप मैप की फाइल्स को भी अपने फ्रेंड से जेंडर या सेरिट से ले सकते हो और वो वर्क भी करती है। ये आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अभी पबजी मोबाइल में अभी कोई सा भी मैप डाउनलोड नहीं है। आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, जब मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। सो अब करना ये है कि जो आपको सामने तीन फाइल्स दिखाई दे रही हैं वो मैप्स की फाइल है। सिंपली आपको ये तीनों फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी या मूव कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको कॉपी करके बताता हूँ। और ये फाइल्स को कॉपी करने के बाद आपको आपको स्टेप बाय स्टेप फोल्डर में जाकर पेस्ट करना है। सो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, देन फॉलो करना। सबसे पहले फ़ोन स्टोरेज पर जाना है, देन उसके बाद एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है, फिर डाटा फोल्डर पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक फोल्डर सर्च करना है जो कि आपको थोड़ा नीचे मिल जाएगा, com.transcend.ig के नाम से होगा। जैसे मिल जाए उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद फाइल्स को ओपन करना है। उसके बाद आपको जो तीसरे नंबर का फोल्डर दिखाई दे रहा है UE4Game, उसको ओपन करना है। उसके बाद शो ट्रैकर एक्स्ट्रा पर क्लिक करना है। अगेन आपको चौथे नंबर के फोल्डर शो ट्रैक एक्स्ट्रा वाले फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सेव्ड फोल्डर वालों को ओपन करना है। यहाँ पर आपको चौथे नंबर वाले पैक्स फोल्डर को ओपन करना है। आपको इसी फोल्डर में पेस्ट करना है उन तीन ही फाइलों को जो कि अपन ने उधर कॉपी की थी, मतलब पेस्ट पर क्लिक करना है। बस ट्रिक यहीं तक थी, अब अपना काम हो गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो मैप्स की थ्री फाइल कहाँ से आएगी, तो सिंपली मैं बताना चाहूँगा, आपको ये तीनों फाइल्स अपने फ्रेंड के मोबाइल से लेना है, जेंडर या सेरिट से आप किसी से भी ले सकते हो। अब सिंपली आपको करना क्या है, जो कुछ देर पहले अपन ने फोल्डर वाली स्टेप्स को फॉलो किया था, वही स्टेप्स को आप अपने फ्रेंड के मोबाइल में फॉलो करना। जैसे आप फ्रेंड के मोबाइल में ये पैकेज वाले फोल्डर में आ जाओगे, देन वहाँ पर आपको ये तीनों मैप की फाइल मिलेगी। सो आप वहाँ से तीनों फाइल को अपने जेंडर या सेरिट से अपने मोबाइल में शेयर कर लेना। देन फिर वही कॉपी पेस्ट करना है आपको, जो अभी आपने फॉलो करा वैसे ही। सो आपका काम हो जाएगा फिर। बस अब आपको पबजी वाले पेज को क्लोज करना है, देन पबजी को फिर से एक बार रिस्टार्ट करना है। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे तो आपको मैप डाउनलोड दिखेंगे, जो कि अभी आपको मैं स्क्रीन पर शो करके बता देता हूँ। सिंपली मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताई है, आपको उन स्टेप्स को ध्यान से देखकर फॉलो करना है। सिंपली फ्रेंड के मोबाइल से आपको तीनों फाइल को शेयर करना है, देन आपको इस वाले फोल्डर में आके कॉपी पेस्ट करना है, तो आपका काम सिंपली हो जाएगा। सो आपको मेरी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा सारे मैप्स आपको डाउनलोड दिखाई दे रहे होंगे। जब मैं इनको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो मतलब कि आपको अब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको यदि स्टेप्स या इस वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाई देना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।